मेरे जमाने में भी शुरू हुआ था, सिंगापुर और इनके ऐसा। तो मैंने टाटा यहाँ आए थे तो उनसे मैंने कहा था कि नहीं आप ले लीजिए, मैं बाहर के आदमी को नहीं दूंगा। मुझे खुशी है कि टाटा जो है वो बड़ा साख वाला कंपनी है, और उसको जो गया है एयर इंडिया, तो मुझे मैं मानता हूँ कि उसकी जैसे जो हालत है, जिस तरह से एयर इंडिया जो है वो घाटे में चलता है, बहुत कोशिश सरकार ने की लेकिन वो रिवाइव नहीं हुआ है। लेकिन अच्छे हाथों में गया, क्योंकि पहले इन्हीं के हाथ में ये एयर इंडिया था, और ये तो हर चीज़ को चलाने में मुझे लगता है कि सक्षम लोग हैं। तो जो एयर इंडिया इनके हाथ गई है टाटाज के, मुझे बहुत खुशी है। मैं चिंतित था कहीं गड़बड़ को ना हो जाए। तो अब लगता है कि पटरी पे दौड़ेगी एयर इंडिया हाँ, की मुझे अब। लगता है कि वो रिवाइव कर लेंगे, वो लोग रिवाइव कर लेंगे। तो आपसे सर क्या बातचीत हुई थी अभी, आप बता रहे थे कि हमसे कुछ कहा नहीं, था। उस समय जो है वो टाटाज के साथ जॉइंट वेंचर में एयर इंडिया का मामला चला हुआ था, तो मैंने कहा था कि नहीं बाहर के सिंगापुर को नहीं आने देंगे। और टाटा यहाँ आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि आप ले लीजिए, मैं तैयार हूँ। उस समय उन्होंने वो नहीं माने। उस समय नहीं हो पाया ये, अच्छा, आज अब हो गया तो मैं ठीक मानता हूँ, इसका स्वागत करता हूँ। किस सन की बात है सर जो आप बता रहे हैं, किस आप जो लिस्ट बता रहे हैं। नहीं, ठीक ही हुआ कि टाटा इसके हाथ में गया है, अच्छा ठीक ही हुआ। हाँ, ठीक है, तो खुशी है सर आपको भी टाटा आ मैं गया। मानता हूँ कि ठीक हुआ है, हाँ और एयर इंडिया की रिवाइव किया जाएगा महाराजा को, तो अच्छा फैसला हुआ है। एयर इंडिया इन्हीं की थी, इन्हीं के हाथ चली गई। रतन टाटा काफी भावुक नजर आए, रतन टाटा काफी भावुक नजर आए सर। हाँ, मैं मानता हूँ कि अच्छा है, उनके हाथ में जो चला गया महाराजा वो अच्छा है, मानता हूँ कि ठीक सौदा हुआ है।